नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीबीसी की एक नई कैबिनेट के बारे में, जो कि चीफ मास्टर बैंड की है। ये एक कैबिनेट है जो एक अनलिमिटेड गेमिंग पीसी या आप अनलिमिटेड वेब डिजाइनिंग के लिए या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो भी आप पीसी बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। इसकी रेंज भी ज़्यादा नहीं है और ये जो कैबिनेट है इसके अंदर लगभग लगभग सारे फीचर कवर किए गए हैं। ये वो कैबिनेट है, इसके बारे में हम आज वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो देखें जिससे कि आप इसकी सारी डिटेल्स के बारे में जान सकें। अनबॉक्सिंग करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बॉक्स की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी कैबिनेट है। साइज़ की बात करें तो बहुत ही अच्छा साइज है जिसमें आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा ग्राफिक कार्ड, बड़े से बड़ा कूलर, बड़े से बड़ा मदरबोर्ड आप इस कैबिनेट के अंदर यूज कर सकते हैं। एक अनलिमिटेड पीसी अपना आप बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम इसके बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं वीडियो में सिर्फ पूरी स्क्रीन में सिर्फ बॉक्स ही आ रहा है। तो अब हम इसकी आगे बात करते हैं। तो अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो अगर हम इसकी इसी पोजीशन में विड्थ की बात करें तो आप ये देख सकते हैं 61 सेंटीमीटर। हाँ दोस्तों, बिल्कुल 61 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। हाइट की बात करें तो ये आपकी 64 सेंटीमीटर। और हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ हो गई आपकी 36 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप सोच सकते हैं कि कैबिनेट कितनी बड़ी है, कितनी ह्यूज है और आपके लिए बहुत ही, जो लोग अनलिमिटेड पीसी बिल्ड करना चाहते हैं गेमिंग के लिए या डिजाइनिंग के लिए या अपना किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर पीसी के लिए जो भी उनका यूज है उसके उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है। तो चलो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हमने पुरानी वीडियो में भी टॉपिक को कवर किया कि बीबीसी जितने भी टेम्पर ग्लास की कैबिनेट बिल्ड करता है या बाय करता है या किसी दूसरे ब्रांड को भी बाय करता है तो उनको उनकी हमारी ये कंडीशन है कि कैबिनेट ईपीए पैकिंग में, जिस फोम पैकिंग में, सॉफ्ट फोम पैकिंग में होनी ही चाहिए, नहीं तो ये ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस पैकिंग के बाद इसके ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ना के बराबर। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ। कैबिनेट बहुत ही ज़्यादा भारी है। ये हमारी कैबिनेट है, इसको हटाते हैं। ये आपकी कैबिनेट है। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं आपका टॉप पैनल, टॉप पैनल के ऊपर ये आपका मैग्नेटिक डस्ट कवर इसके ऊपर दिया गया है। अब अगर हम इस मैग्नेटिक डस्ट कवर को हटाने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कूलर के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। आप टॉप में कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं, 360 mm का, 140 mm का फैन यूज कर सकते हैं, 120 mm का यूज कर सकते हैं, 80 mm का फैन यूज कर सकते हैं। आप तीन फैन ऊपर टॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो ये हुई इसकी टॉप की बात। अब हम बात करते हैं स्विचेज की, जो कि हमें दिए गए हैं। ये आपके इसमें स्विचेज हैं। सबसे पहला जो आपका स्विच है ये आपका पावर का स्विच है। दो USB 3.0 है, दो नॉर्मल 2.0 USB है, HD ऑडियो दिया गया है, ये रिसेट का बटन है। ये इसमें आपका LED जो कि इसके अंदर प्री इंस्टॉल आपके 4 RGB फैन है, ये उनकी LED को कंट्रोल करने के लिए कि आप जैसे बटन प्रेस करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। ये इसमें एक प्लस और माइनस का बटन दिया गया है, इससे आप अपनी फैन स्पीड को कंट्रोल करते हैं, मीन फैन स्पीड के लिए इसमें बटन दिया गया है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो नॉर्मल कैबिनेट के अंदर सिर्फ दो ही टेम्पर्ड ग्लास के लिए स्क्रू होते हैं एक साइड में, नहीं टोटल एक साइड में 6 आपके 4 टेम्पर्ड ग्लास के स्क्रू होते हैं। लेकिन इस कैबिनेट में साइज इतना बड़ा है, टेम्पर्ड ग्लास का साइज भी बड़ा है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आपके एक साइड में स्क्रू दिए गए। हम एक ओपन करते हैं, इनको खोलते हैं। ये हैंड मूवेबल है, आप हाथ से आराम से इजीली खोल सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे रबड़ की बाउंडिंग दी गई है, जिससे भी किसी तरह के झटके या किसी तरह के शॉक में ये इसको प्रोटेक्ट करें टेम्पर्ड ग्लास को। ये हमने सारे के सारे स्क्रू निकाल दिए। अब ये देखिए ये आपका टेम्पर्ड ग्लास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रैच वगैरह लगे हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। स्क्रैच सिर्फ इस थैली के ऊपर लगे हैं, जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगाई गई है। ये इसके ऊपर स्क्रैच है, ये आपके इधर भी है। ये आप जैसे ही दोनों साइड से प्रोटेक्शन के लिए हटाएंगे तो आपको ये एकदम क्लीन ग्लास मिलेगा, जिसको आप बाद में अपने हिसाब से साफ भी कर सकते हैं। ये हम ग्लास को साइड में रख देते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर और हमें क्या दिया गया। ये इसके अंदर एक हमें यूजर मैनुअल दिया गया, मेरे ख्याल से शायद कोरियन लैंग्वेज में, चाइनीज नहीं है, कोरियन लैंग्वेज में हो सकता है। जो स्विच मास्टर ब्रांड है वो कोरियन है, इसलिए ये कोरियन लैंग्वेज में, तो इसका हमें यूज नहीं है। बाकी सारी डिटेल मैं आपको इसमें कवर कर दूँगा, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं फिर भी ये कैबिनेट का अंदर दिया गया। अब हम बात करें तो साइज की, तो साइज आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो वीडियो में तो मैं आपको साइज इसका अपने स्केल से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर इसके मदरबोर्ड के लिए बात करें तो ये आपके मदरबोर्ड की लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ 29 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर का मदरबोर्ड हाइट में यूज कर सकते हैं। और हम इधर की बात करें तो ये आपका हो गया 29 ही इधर ही है। और टॉप के लिए आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जगह है, तो टॉप की हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें PSU के लिए, तो ये आपका यहाँ पे इस साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका PSU लगाने के लिए स्पेस दिया गया है, डाउन साइड है और पूरा ओपन स्पेस है, तो आप ग्राफिक कार्ड की लेंथ काफ़ी अच्छी कवर कर सकते हैं। ये यहाँ पे 3 SSD के लिए दिए गए हैं, आप 3 SSD यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं एक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू ओपन करेंगे, ये देखिए ये इसमें यहाँ माउंटिंग दी गई है। आप इन माउंटिंग के अंदर अपना हार्ड डिस्क को फिक्स करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लास्टिक का है। और ये आप, ये आप इस तरीके से इसको बाहर निकाल के अपनी हार्ड डिस्क में फिक्स करके फिर इसको वापस रबड़ को, ये आपका रबड़ जो है इस तरह का है, ये रबड़ है, आप इसको वापस में इसमें जैसे हम शिफ्ट करते हैं उस तरीके से हार्ड डिस्क लगाने के बाद, जब आप अपनी हार्ड डिस्क लगा देंगे तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो हार्ड डिस्क में दोनों साइड लगेंगे और फिर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये आपके इस तरीके से यहाँ पे 3 दिए गए हैं, और बाकी 3 इंस्टॉल करने के लिए ये इसके सॉकेट हैं, ये आप इनको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, इंस्टॉल करेंगे और वापस से अपना स्क्रू कर देंगे। तो ये आपके इस तरीके से यहाँ पे SSD इंस्टॉल होगी SSD के लिए। अब हम वाटर कूलर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें हर जगह बढ़िया क्वालिटी की रबड़ की बिल्डिंग दी गई, जिसमें आप वाटर कूलर की अपनी पाइपिंग कर सकते हैं। ये
DIY वाटर कूलर के लिए मेन जो कि हम लोग अलग से बनाते हैं, एक होता है AIO वाटर कूलर जो कि कंप्लीट सेट आता है, और एक होता है DIY जिसमें कि सब चीज़ अलग अलग आती है और उसे हम अपने हिसाब से इंस्टॉल करना होता है। तो ये आपके उसके लिए है, और आप इसमें केबल मैनेजमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पावर सप्लाई लाएंगे तो PSU की सारी केबल आप यहाँ से बैग में ले जा सकते हैं। ये आपकी बाकी की केबल कोई अंदर लानी हो तो मदरबोर्ड के लिए, हार्ड डिस्क के लिए, वो आप यहाँ से ला सकते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये रबड़ जो है बहुत हाई क्वालिटी के है। हम बात करें कैबिनेट के इस हिस्से में और क्या है, तो लाल तो यही है। एक इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूल रिंग का 120 एम का फैन लगा हुआ है। इस कैबिनेट में टोटल आपको प्री इंस्टॉल 4 RGB फैन 120 mm के ड्यूल रिंग के ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं इसमें। तो ये हो गया इसका ये इस साइड की बात। अगर हम एक्सपेंशन स्लॉट की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके एक्सपेंशन स्लॉट दिए हैं। हम जाते हैं इसके फ्रंट में, तो ये आपका कैबिनेट का फ्रंट फ्रंट के लिए हमें उसमें टेम्पर्ड ग्लास है फ्रंट में भी, तो इजीली बस ये 4 स्क्रू हमें ओपन करने हैं। इसके बाद ये आपका टेम्पर्ड ग्लास बाहर निकल आएगा। ये आपका टेम्पर, जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया इसके ऊपर ये पॉलिथीन का वो दिया गया प्रोटेक्शन, जिससे कि इस पर स्क्रैच या किसी तरह का निशान ना आए। तो आप ये जब यूज़ करें फिर निकाल दें तो आपका ये टेम्पर्ड ग्लास एकदम क्लीन निकलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 3 फैन लगे हुए हैं फ्रंट में। अटाए फैन को हटा के यहाँ पर वाटर कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं या रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट फैन लगे हुए तो कोई इशू नहीं, आप टॉप पर इंस्टॉल कर लीजिए। हम इसके बॉटम में जाते हैं, तो ये इसका बॉटम है। इसके 4 स्टैंड दिए गए हैं, बढ़िया है, अच्छा प्लास्टिक यूज किया गया है। ये आपके इसके ऊपर रबड़ की माउंटिंग है जिससे कि ये कैबिनेट को स्लिप होने में या वाइब्रेशन में नहीं होने में मदद करेगा। ये आपका एक यहाँ पे डस्ट फिल्टर दिया गया है। डस्ट फिल्टर की भी अगर हम बात करें तो डस्ट फिल्टर भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है। एक होता है लोकल और ये एक अच्छी क्वालिटी का इसमें डस्ट फिल्टर यूज़ किया गया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आइडियल कैबिनेट है, आप अगर इसका अपना एक अनलिमिटेड PC या गेमिंग PC इसमें बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आगे ये इसका बैक साइड है, बैक साइड में भी इसमें टेम्पर्ड ग्लास है। मेन चीज़ के दो तीनों साइड इसमें टेम्पर्ड ग्लास है, फ्रंट बैक और साइड पैनल। इसमें भी 6 स्क्रू हैं, यानी इसको खोले कि आपका टेम्पर्ड ग्लास बाहर निकाला। तो ये इसका कंट्रोलर था, इसमें आप और भी फैन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 2 3 4 फैन के लिए और जगह दी गई, LED स्ट्रिप के लिए इसमें जगह दी गई है, और आप इसको बटन के थ्रू अपना पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपकी केबल मैनेजमेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइल भी दी गई है। ये टाइल स्टाइल के हिसाब से फैन की दी गई है, ये आप इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी इसमें दी गई है 1 2 3 टाइल 4 टाइल ऑटोमेटिक है, और हम इसकी केबल निकालते हैं सबसे पहले इसमें ये बात करें। आप देख सकते हैं बहुत ही हार्ड और टेंडर केबल है, 2 3.0 फ्रंट में तो ये दो केबल है और एक कनेक्टर है। आपका एक कनेक्टर ये USB 2.0 का, ये HD ऑडियो के लिए, ये आपकी पावर रिस्टार्ट हार्ड डिस्क LED है, और केबल है ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 हमें 3.5 इंच हार्ड डिस्क के लिए, और या फिर आप इसके अंदर SSD में 3 इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं फोन करके आपको बताता हूँ आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमें एक कनेक्टर से थोड़ा बाहर निकालेंगे, उसके बाद निकाल कर उसमें कुछ दिख भी रहा बॉक्स का, जिसमें बॉक्स के अंदर है। तो ये आपका हार्ड डिस्क के लिए, आप इसमें एक 3.5 इंच की हार्ड डिस्क फिट कर सकते हैं, या फिर ये इस तरीके से 1 2 3 4 स्क्रू लगा के यहाँ पे SSD भी फिट कर सकते हैं। तो ये आपका हार्ड डिस्क के लिए और SSD के लिए है। हार्ड डिस्क के लिए 3.5 इंच के नॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे या यहाँ पे भी स्क्रू के लिए जगह दी गई, यहाँ पे भी आप स्क्रू लगा सकते हैं, और ये 3 दिए गए हैं। टोटल ओवरऑल बात करें तो आप इसके अंदर 3 3.5 इंच की हार्ड डिस्क और 6 SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, 6 SSD आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्पेस वाइज बहुत ही अच्छी जगह है, आपके लिए साइज भी बहुत अच्छा है, एक अनलिमिटेड PC बनाने के लिए बहुत ही अच्छी कैबिनेट है।
बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिला है। तो ये इसके अंदर क्लीनिंग के लिए क्लॉथ्स है, यहाँ पे कपड़ा दिया गया है इसको क्लीन करने के लिए। और क्या है, और इस बॉक्स के अंदर ये स्क्रूज है, एक स्पीकर भी है। ये स्पीकर आपका सिर्फ इंडिकेशन के लिए, जब आप इसको मलम वलम लगाएंगे तो इसमें टू टू की आवाज़ आएगी, ऑन ऑफ के लिए या किसी तरह के एरर के लिए। ये आपके इसमें मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाता हूँ शानदार चीज़ और क्या दी गई है। सबसे पहले हमें स्क्रू बाहर निकालते हैं सारे, ये देखिए स्क्रू की क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है। और ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है ज़्यादातर कैबिनेटों में नहीं आती। मैं आपको इसका यूज एक वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, चार में चारों के चारों बाहर निकाल लेता हूँ। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा ये हर चीज के रबर भी दिए गए हैं इसे। और ये आपका टेम्पर्ड ग्लास को प्रूव करने के लिए यहाँ पे रबर ज़्यादा खो जाता है एक आध दो, तो इसके अंदर ये दो भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं, दो तीन कुछ ये भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपके, जैसे हर चीज को कनेक्ट करने वाले रबर भी। तो इसके साथ इसके अंदर आप और देख सकते हैं, तो ये आपके इसमें मत कहीं के फैन के स्क्रू भी दिए गए हैं, साथ में आपकी बिट्स भी दिए गए हैं। तो कैबिनेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में स्क्रू वगैरह दिए गए हैं, तो उनको उसमें टाइट रखते हैं। हमारी इसको केसिंग को भी टाइट रखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने चार रबर निकाले थे इनका क्या यूज है। सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगा इन चार जो ये रबड़ के माउंटिंग दिए हैं इनका क्या यूज है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास चार यूएसी है, तो ये चार यूएसी में लगाने के लिए रबड़ की माउंटिंग दी गई है। ये आपकी इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगी, जिससे कि आप इनको अगर यूज नहीं करते हैं, मीन्स यूएसी यूज नहीं करते हैं, तो आपकी इनमें डस्ट जमा नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, कमी कैबिनेट्स के अंदर आता है ये। इस तरीके से हम चार यूज कर सकते हैं, जो आप ज़्यादा यूज करते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आप लगा के रखें इसको, वापस अपने स्क्रूज के स्टॉक में रख सकते हैं। ये इस तरीके से आपके यहाँ पे चारों के चारों इंस्टॉल हो सकते हैं। तो इनको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप जिस यूएसबी को कम यूज करते हैं उसमें आप कवर लगा दीजिए, तो उससे उसमें डस्ट नहीं जाएगी। तो ये इस कैबिनेट के बारे में पूरी जानकारी थी, आप देख सकते हैं ये पूरी इसकी अनबॉक्सिंग की, पूरी डिटेल्स मैंने कवर करने की कोशिश की। कुछ रह गई तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमें ईमेल के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। तो अगर आपको हमारी ये कैबिनेट अच्छी लगी है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कैबिनेट अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इस प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। और अगर आपको हमारे और प्रोडक्ट पसंद होंगे, तो आप हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी हमारे बारे में जान सकेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे।